हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आपने मेरी ग्रीन स्क्रीन वाली VFX वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। बिकॉज आज जो हम वीडियो क्रिएट करने वाले हैं वो अपने फ़ोन के मेन कैमरा से रिकॉर्ड करने वाले हैं। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एलिगेटर कितना अमेजिंग लग रहा है, कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो हम यही वीडियो क्रिएट करने वाले हैं विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, विदाउट यूजिंग एनी ग्रीन स्क्रीन, और ये एक 3D इमेज क्रिएट करता है। तो आप अपने कैमरे को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कैसे भी मूव कर लीजिए, ये एकदम रियलिस्टिक इमेज शो करेगा इसकी। इवन आप इसके शेडो तक देख सकते हैं। सो ये कैसे करना है यही आज हम सीखेंगे। सो गाइज, बिफोर गोइंग फर्दर, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो गाइज, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कोई भी ब्राउजर लेंगे और ब्राउजर के अंदर हम सर्च करेंगे गूगल 3D एनिमल। गूगल 3D एनिमल टाइप करके हम सर्च करेंगे तो देखिए सेकंड वाली साइट पे यहाँ पर 9to5 google.com पर पूरी एक लिस्ट आ जाएगी एनिमल्स की जो 3D के अंदर अवेलेबल होंगे। हम उसमें से कोई भी एक एनिमल को सिलेक्ट करेंगे, वापस वेब सर्च पे क्लिक करेंगे एंड देखिए यहाँ पर नीचे व्यू इन 3D का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके व्यू इन योर स्पेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी ये एक ग्राउंड, एक सरफेस ढूंढ रहा है जहाँ पर उस एनिमल को प्लेस करना है। तो आप थोड़ा सा कैमरा मूव करेंगे उसके बाद ये अपने आप ही उस एनिमल को प्लेस कर देगा। आप इसकी साइज़ को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है, एकदम रियल लग रहा है। आप इसके चारों ओर घूम सकते हैं, इसके साथ आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। सो गाइज़, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कोई भी हमें इसके लिए सॉफ्टवेयर या कोई भी अलग से एडिटिंग नहीं करनी है। तो ये चीज़ मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताई, लेकिन उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये वो अपने फ़ोन में एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वो देख नहीं पा रहे थे कि अपने रियल वर्ल्ड में एनिमल्स को कैसे लाया जाए। तो देखिए मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लेपर्ड सर्च किया है, उसके बाद यहाँ पर व्यू इन 3D पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए व्यू इन योर स्पेस ये ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें, वैसे ही उनके फ़ोन में भी नहीं आ रहा था। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जाना है गूगल प्ले पे और गूगल प्ले सर्विसेज फॉर AR, इसे हम अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद वापस हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे एंड व्यू इन 3D पे वापस क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है व्यू इन योर स्पेस, तो ये ऑप्शन वापस से ओपन हो गया है। तो गाइज, आप भी इसे यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा ये ट्रिक आपको। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन। We'll be right back.